इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से अगर अब एग्री कम्युनिटीज़ की, तो हमने बिनौला खल में कीमतों को तेजी की ओर जाते हुए देखा है। जो बिनौला खल 3,3100 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था वायदा में, अब वही बिनौला खल 3,300 के ऊपर है। आपको क्या लगता है, क्या अब बिनौला खल में यहाँ से तेजी शुरू हो गई है या फिर ये छोटी अवधि की तेजी है? जी आपको याद होगा जब बिनौला खल 3,000 से नीचे भी गया था एनसीडीएक्स के ऊपर, स्पॉट प्राइसेज को खैर अलग चीज है, स्पॉट प्राइसेज और एनसीडीएक्स की प्राइसेज में थोड़ा सा अंतर है, स्पॉट प्राइसेज थोड़ा सरप्लस में ट्रेड कर रही है। और लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था देखिए कि ये आवश्यकता वाली कमोडिटी है और भारत दूध उत्पादक में और पशुपालन के अंदर विश्व के पहले 3 में स्थान आता है, तो ये तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और बिनौला खल पशुओं की पहली पसंद होती है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। बाकी बाकी सरसों खल है या मूंगफली खल है या सोया खल है, ये है सही, लेकिन यदि पहली पसंद पशु की मानी जाती है तो बिनौला खल मानी जाती है और इसी वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर और इसके ऊपर नजर रहता है। क्योंकि जब एक लेवल के नीचे कोई भी चीज चली जाती है तो उसका बाउंस बैक होना स्वाभाविक ही होता है। और यही हमने आपको लगातार अपडेट दिया है कि जब ये 3400 से ऊपर गई थी तो हमने कहा कि ये अपनी सीमा से बाहर जा रही है और इस समय ये लेवल उसी पर नहीं है। उस समय गिरावट आई लगभग 10% आसपास की और 3000 से नीचे का भी स्तर देखा गया और 3000 के नीचे का स्तर था। उस वक्त हमने यही कहा था कि इसके अंदर पहले से माल मिलना चाहिए। जब भी एनसीडीएक्स के ऊपर भी खबर आई कि बहुत ज्यादा इसमें स्टॉकिंग हो गई है और अनेक लोगों ने अलग अलग बातें कही, क्योंकि तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले निश्चित माने वो दोनों जगह लोगों को फंसाते हैं। लेकिन जब मंदी के अंदर कभी आप खरीदते हैं आपको अग्रिम अनुमान विश्लेषण करके, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होता है। व्यापार सट्टेबाजी का नहीं है, व्यापार तार्किक निर्णय लेना और अपनी पूंजी को निवेश करने से आएगा। स्पेकुलेशन के अंदर यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर तेजी भी है मंदी भी है, आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। लेकिन यदि आप निवेश करते हैं तर्क तर्क संगत तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एज कंपेरिजन टू योर स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी, यही मेरा कहना है। तो कपास खली के अंदर धैर्यपूर्व को ट्रेड करें, इंटरडे की बात छोड़ दें और इंटर कपास खली के अंदर तेजी के बाद थोड़ी बहुत बुकिंग भी आती है, उसमें कोई खास बात करने की बात नहीं है और इसके अंदर निवेश आने वाले 1 से 2 महीने में तेजी नजर आ रही है। ये ले जी जी सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।